हमारे साथ केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। किरण रिजिजू जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारत वर्ष पर और 77वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाइयां। नमस्कार, आपके टीवी 9 के जितने दर्शक हैं सबको भी मेरा तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस बहुत ही महत्वपूर्ण 15 अगस्त के दिन और स्वतंत्रता दिवस में सबको शुभकामनाएं। किरण जी, देखिए आज प्रधानमंत्री जब 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे तो 90 मिनट के भाषण में उन्होंने अपने सरकार की कई सारी उपलब्धियां गिनाई और आगे वो क्या करने वाले ये भी बताया उन्होंने। मैं आपसे स्पेसिफिकली पहले कुछ अहम पॉइंट्स पर बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत अहम ऐलान किया, उन्होंने कहा कि देश में जो करोड़ों लोग किराए के मकान में रहते हैं या जिनके पास अपना घर नहीं है उनके लिए एक नई योजना आने वाली है जिसमें उनको ब्याज में, जो उनकी ईएमआई पर भारी ब्याज पड़ता है उसमें उनको राहत मिलेगी। ये क्या योजना है, कैसे लाई जाएगी, किरण रिजिजू जी प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब प्रधानमंत्री बड़ा कोई घोषणा करते हैं तो पूरा तैयारी करके ही घोषणा करते हैं और जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठ करके तय करते हैं, फिर हम प्रधानमंत्री जी को अपना रिपोर्ट देते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो जो आज प्रधानमंत्री जी ने शहरों में आवास को लेकर के गरीबों के लिए घर किस तरीके से बनाना चाहिए और गरीबों को एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या व्यवस्था खड़ा करना चाहिए, ये सारे चीज़ें पूरे संपूर्ण रूप से आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पिछले 9 सालों में जो सरकार ने जो किए हैं आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो आप अभी आप जिक्र कर रहे हैं उसका घोषणा किए हैं, पूरा डिटेल के साथ में जब लॉन्च होगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक 17% लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। किरण जी, करोड़ों लोग हो गए, 23-24 करोड़ के आसपास, ये बहुत बड़ी योजना है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक चीज और कही है और उन्होंने कहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, लखपति दीदी योजना के जरिए जो महिलाएं हैं उनको न केवल यहां पर लखपति बनाया जाएगा बल्कि ड्रोन के इस्तेमाल का भी सिखाया जाएगा। बहुत सारे दर्शक जरूर इस बारे में सोच रहे होंगे, किरण जी इसको कैसे अमल में लाएंगे आप लोग? ना, बिल्कुल, जो आज नारी शक्ति हमारे दूर दराज गांव गांव तक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं और हम तो लगातार उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनसे हम सुनते हैं कि कितना एक्सपीरियंस उसका, कितना फ़ायदा हुआ और क्या करना है आगे जा कर के। तो जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक सामूहिक रूप से आ करके जिस तरीके से वो अपने आप को संभाल रहे हैं, मुझे लगता है कि देश का एक बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी चीज़ें हमको देखने को मिल रहा है और 11 करोड़ जो संख्या हमारे महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो ताकत है वो ताकत इस देश को बहुत आगे ले जाएंगे। और जो सपना है, लक्ष्य मोदी जी ने रखा है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अच्छा किरण जी, देखिए आप भी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, मणिपुर का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कहा है कि उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और विपक्ष इसको कितना मुद्दा बनाया, आपने देखा विश्वास प्रस्ताव के दौरान कितनी इस पर बातें हुई। तो मणिपुर पर क्या प्रधानमंत्री ने आज साफ संदेश दे दिया है कि सरकार कैसे उस वहां शांति लाने का प्रयास कर रही है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में 2014 से पहले इतना उग्रवादी संगठन बने थे कभी कभी आप हिसाब भी नहीं लगा सकते थे। मणिपुर के अंदर में भारत देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्पन्न हुआ। वो क्यों हुआ? उस समय भारत सरकार में जो लोग भी रहते थे, चाहे मंत्री हो उच्च अधिकारी हो, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बिल्कुल छोड़ चुके थे, ध्यान नहीं देते थे। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग कुछ बोलते थे उसको सुनते नहीं थे और दिल्ली आते थे टाइम नहीं मिलते थे, 5 मिनट का टाइम नहीं था। और आगे जा करके नाराज होकर के कई युवा संगठन हाथ में हथियार लेकर के जंगल चले गए और ये देश के विरुद्ध में काम करने लगे और मुख्य धारा से वो हट गए।
2014 के बाद अब तक 2023 तक 8000 से ज़्यादा जो उग्रवादी हमारे मिलिटेंट हथियार के साथ सरेंडर हुआ है वो रिकॉर्ड है। और साथ साथ मणिपुर के अंदर में 2014 से 2023 के बीच में एक नया उग्रवादी संगठन पैदा नहीं हुआ, जो भी पैदा हुए पहले हुए थे और लगभग खत्म होने को है। अब जो मणिपुर में जो संघर्ष चल रहे वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं है, ये मणिपुर में दो समुदाय हैं, बैते समुदाय एक तरफ है और दूसरे तरफ में चीन कुकी जो मार। तो ये जो दो ग्रुप में जो अभी वायलेंस चल रहे ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसको खत्म करने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती अगर हम आर्मी लगाएंगे, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि आर्मी लगाओ फायरिंग करो, ऐसा नहीं होते हैं। ये हमारा देश का विरुद्ध कोई लड़ाई नहीं है, ये दो गुटों के बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग है, पुराने विवाद है, उनके बीच में संघर्ष चल रहे हैं। तो इसलिए अमित शाह जी खुद गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे और हमारे गृह राज्य मंत्री मणिपुर में 23 दिन लगातार वहां रहे और वहां अधिकारियों के साथ काम करते रहे। उस समय जब नागा कुकी क्लेश हुए थे 800 से ज्यादा मारे गए थे, कोई एमओएस तो छोड़ दीजिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक भी नहीं जाते थे, पार्लियामेंट में 2 मिनट का चर्चा नहीं होते थे। तो कांग्रेस पार्टी क्या बात करते हैं, इतना वहां ट्रेजेडी हो रहा है, सरकार काम कर रहे, ऐसे समय में सिर्फ इतना कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि सरकार के साथ हम हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह चुके हैं कि देश मणिपुर के साथ खड़ा है, पार्लियामेंट में रेजुलेशन मूव किया, उस दिन अपील भी किया कि देश मणिपुर की जनताओं के साथ खड़ा है। आज आप कह रहे हैं किरण जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के साथ हम हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को यह कहना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं, सर कांग्रेस सर सुनिए वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लाल किले की प्राचीर से आखिरी भाषण है, और प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि मैं फिर से आऊंगा, मैंने जो शिलान्यास किया मैं उनका उद्घाटन फिर करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? देखिए ये जो एक परिवार को देश से ऊपर मानता है और उनके लिए देश कुछ नहीं होता है, उनके लिए एक ही परिवार सब कुछ है, उनका जीना मरना एक परिवार के लिए होते हैं, ऐसे लोगों के चाहने से प्रधानमंत्री जी को कोई हटाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी को 140 करोड़ जनताओं ने आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री बनाया है और हमारा देश के 140 करोड़ के लोग ही मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना करके अगले साल 2024 में फिर से लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधन करने का अवसर देगा। और देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथों सुरक्षित है, ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, देश कह रहा है। आज हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय है, और क्या ये किसी के लिए फख्र की बात नहीं है क्या? इसमें कांग्रेस बीजेपी छोड़ दीजिए, हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, चुने हुए नेता है। ये बात को देश के लिए और देशवासियों के लिए ये गर्व का बात है और इसको कांग्रेस पार्टी भी मानना पड़ेगा। किरण जी, लेकिन जब आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर, तो कांग्रेस पार्टी पलटकर आपके ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगाती है, कहती है बीजेपी में बहुत बड़े बहुत पार्टी नेता हैं जिनके परिवार के लोग आगे आ रहे पीढ़ी में। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले इसी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता बोल के गए कि जो एनडीए में 36-38 दल आ रहे हैं उनमें कई सारी पार्टियां हैं जो पारिवारिक पार्टियां हैं जिनकी दूसरी तीसरी पीढ़ियां उन पार्टियों को चला रही हैं। तो परिवारवाद पर जब आप बोलते हैं तो आप उन पर क्यों नहीं देखते? हम जब परिवारवाद बोलते हैं, अगर एक परिवार से दो लोग राजनीति में हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। खराबी क्या है कि पूरा पार्टी ही एक परिवार हो जाते हैं, उसको परिवारवाद कहते हैं। कि कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी सेक्रेटरी बने, कोई भी मंत्री बने, जा कर के एक ही परिवार के घर में उनके पांव छूना है तो वो परिवारवाद होते हैं। परिवारवाद वो होते हैं जो देश से बड़ा वो अपना पार्टी के उस परिवार को मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी से बढ़कर और क्या है, उनके लिए वही सब कुछ है, देश कुछ नहीं होते हैं। हमारे लिए देश सब कुछ है, और जितने भी परिवार हो या किसी भी जो हमारा किसी भी राज्य से
जो भी लोग इस पार्टी में एनडीए में जुड़े हैं हम लोग सब देश के लिए समर्पित हैं। तो इसमें अंतर देखिए, अब कांग्रेस हल्का फुल्का कहते हैं कि बीजेपी में एक मुख्यमंत्री था भूतपूर्व, उसका बेटा भी आज एमपी बन गए हैं। ये परिवारवाद नहीं होते हैं, ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। परिवारवाद वो होते हैं सब कुछ एक परिवार के लिए काम करना, पार्टी बना है इसलिए एक परिवार के लिए, वो परिवारवाद होते हैं। नहीं तो फिर उसमें वो गिनाते हैं रामविलास पासवान के बेटे को, चिराग पासवान को, उसमें वो गिनाते हैं जेजेपी चौटाला परिवार को, उसमें वो गिनाते हैं फिर एनसीपी अजीत पवार को, और वो अजीत पवार का जब नाम लेते हैं तो भ्रष्टाचार की भी जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिसको चुनौती बताया वो ये पूछते हैं कि अजीत पवार अब आ गए तो भ्रष्टाचारी नहीं है, जब उधर थे तब भ्रष्टाचारी थे। ऐसा है, हमारा पार्टी के साथ जो भी जुड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी सबका नेता है, आप ये चीज को फर्क को देखिए। हमारा एनडीए में जो भी आते हैं मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आते हैं, हमारा यहाँ कोई परिवार का दबाव से सरकार नहीं चलते हैं और परिवार के लिए हम काम नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि किसी परिवार में दो लोग राजनीति में आए होंगे, पिताजी एमपी थे, बेटा भी एमपी हुए होंगे, लेकिन वो देश से बड़ा नहीं है ना। यहाँ मोदी जी ही हमारा नेता है और हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, और मोदी जी अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी एक रुपया एक लाल पैसा अपना परिवार के लिए लेके जाने वाला नहीं है, हर चीज पाई पाई जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसमें अंतर है, इसमें हल्का फुल्का वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बीजेपी में भी वो परिवार के दो दो लोग वहाँ बैठे हैं, ये इस पर कोई भ्रमित नहीं होना है। अच्छा, हम क्लियर है, देश के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सेवा करने वाले हैं। अच्छा, परिवार की बात हो रही, देखिए एक परिवार ने आज लाल किले पर जो आज समारोह हुआ स्वतंत्रता दिवस का, उससे थोड़ी दूरी बनाई। इनफैक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दूरी बनाई। आई एम श्योर आप लोगों ने उनको न्योता तो जरूर दिया होगा या नहीं दिया, या आप क्लियर करेंगे, और वो आए नहीं, उन्होंने दूरी बनाई, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए कांग्रेस का सोच, उसका तौर तरीका इतना गिर चुके हैं कि इसको हम बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक अपोजिशन पार्टी का भी रोल होते हैं, हम लोग विपक्ष में इतने सालों से रहे हैं, हम लोग विपक्ष का भूमिका निभाते हैं। आज का कांग्रेस पार्टी विपक्ष का भूमिका तक भी नहीं निभाते हैं। विपक्ष का भी रोल होता है डेमोक्रेसी में, देश के लिए नहीं करेंगे वो। पीएम मोदी को कहेंगे भाषण देना चाहिए लोकसभा में, जब भाषण देने आते हैं फिर वो भाग जाते हैं, सुनते नहीं हैं, कार्यक्रम में बुलाते आते नहीं हैं। जब हमारा स्वतंत्र दिवस का अवसर पर उनको बुलाते हैं आते नहीं हैं। तो आखिर चाहता क्या है कांग्रेस पार्टी? इसलिए अब जो बचे कुछ कुछ सीट है, आगे भी जनता तय करेंगे कि ऐसा पार्टी को जो जितने सीट दिया है ये भी क्या जरूरत है, क्या कोई काम तो करते नहीं है वो, देश के लिए कोई योगदान तो है नहीं कांग्रेस पार्टी को। 60 साल में देश को तो डुबा दिया उन्होंने, और आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं, तो कोई हमारे देश का जनता इसको बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, और इस तरह का भाषा जो इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस पार्टी, इसको कोई सामान्य रूप से कोई इसको मानेंगे नहीं, और देश नकार चुके हैं कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी का वापसी इस देश को चलाना ये आपका सोच से बाहर है अभी, क्योंकि देश एक्सेप्ट नहीं करते कांग्रेस को। अब चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए ये दूर हो जाए ताकि देश तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ सके। अच्छा, जब आप उनका जिक्र करते हैं तो वो जब इस पर हम उनसे पूछते हैं कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, मतलब विपक्षी पार्टियों के नेताओं से, मैं दो तीन नाम दूंगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये इनका आखिरी भाषण है, ये दोबारा सरकार वापस नहीं आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका जिक्र हो रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण करने के बाद कहा कि ये लोग केवल अपनी बातों का ढिंढोरा पीटते हैं और विपक्षी पार्टियों को बोलने तक नहीं दिया जाता, हमारा तो माइक तक बंद कर दिया जाता है, ये कहा उन्होंने। ये जो इस तरह का बातें करते ना, तो मुझे एकदम जवाब देने से भी मुझे परेशानी होती है। लोकसभा हो राज्यसभा, वहाँ स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उससे परमिशन लेकर के ही बोल सकते हैं। ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो माइक थोड़ी खुलेंगे। मैं मंत्री हूँ,
लोकसभा स्पीकर जब परमिशन नहीं देंगे तो मेरा माइक थोड़ी ऑन होता है, बिना मतलब बात करते रहते हैं, और जब उसको परमिशन नहीं देते हैं, जो उसका नहीं, नहीं सर, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन वो लोकतंत्र का हवाला देकर कहते हैं कि हमारी भी तो आजादी है, फ्रीडम टू स्पीक, हमारे पास भी तो है राइट टू स्पीक। इस देश में सबसे ज्यादा जो बोलते हैं वही कह रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता है। हर सुबह शाम ये कांग्रेस के जो लोग हैं उनके साथ और कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को साथ दे रहे हैं, सुबह शाम दिन भर मोदी जी को गाली देते रहते हैं, देश का विरुद्ध बात करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है। सबसे ज्यादा जो बोलता है और वो कहते हैं कि उसको बोलने नहीं दिया जाता है, तो ये मजाक है, ऐसे बातों को कोई बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया।